मेरा नाम फूलबासन यादव है। मैं राजनांदगांव जिला की छोटे से सुकुलदेहन गांव में रहती हूँ। गरीबी लोग कई सालों तक बचपन से लेके पूरा गांव में गैया बकरी चराना है, बहुत कुछ संघर्ष कर रहे हो, भूखे प्यासे बहुत सारा संघर्ष कर रहे हो। लेकिन ये लगी इसके शायद मोर जी से कई हजारों लाखों से बहनी है जो भी गरीबी से हो, चाहे गाँव से हो, चाहे समाज से हो, बहुत पीड़ित है। तो मेन हमारा उद्देश्य एक महिला से रही, लेकिन हम 11 बहनी पहले शुरुआत करें। संघर्ष बहुत है इस गांव में, समाज में, परिवार में बहुत ज्यादा संघर्ष करें लगी, लेकिन हम हिम्मत नहीं है। हमारे मेन उद्देश्य शरीर से कि वो गांव में जो महिला तकलीफ में है, अगर तकलीफ ला दूर करना, चाहे पानी ला लेके हो, चाहे शौचालय लेके हो, या स्वास्थ्य लेके हो, या सरकार के कोई योजना के बारे हो, तो घर में एक महिला के पास जाना, अगर दुख दर्द में एक साथ देना, एक सहेली बनके, एक बहन बनके जाके हम शुरुआत करें, और धीरे धीरे बहनी मन बहुत आगे बढ़ते गिन और सहयोग करते गिन। श्रीमती पद्मश्री फूलबासन बाई के ओखर माध्यम से हमन हा जो हमार मन के समूह है, एकता है, संगठन है, दीदी के माध्यम से हमन हा अग्रसर होथन, आगे बढ़थन, ओखर बहुत बहुत धन्यवाद करथन में हा। और इकरे मन के आशीर्वाद से ही आज में हा एक महिला आदिवासी सरपंच हरू। मोर नाम श्रीमती मधुलिका राम टेके है। मोर गांव पनेका है, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। समूह से जुड़ के सामाजिक बदलाव में अग्रसर हुए। सबसे पहले अपन गरीबी से, छुआछूत से बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए जब संगठन में आए, तो संगठन में एक मजबूती दिखी कि सब बहने मिलकर एक साथ काम कर सकथन। 16 दिसंबर 2008 के एक माँ बम्लेश्वरी फेडरेशन समूह के स्थापना करें, वहाँ मैं जिला की सचिव हूँ। और ये संगठन में बहुत ज़्यादा बदलाव है, जो काम हम अकेला नहीं कर पाते रहे, संगठन के माध्यम से हर एक बहनी के अधिकार पर, समानता पर, और उकर शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, स्वच्छता पर और रोजगार पर जो पहल भी करें, संगठन के कारण मजबूती बढ़तेगी। तो ये काम अभी तक 18 साल से बिना सरकार के मदद से सब काम होते। ये काम ला देखते हुए हमार माँ बम्लेश्वरी फेडरेशन जिला एक बहुत बड़े बड़े सम्मान मिले। शायद सम्मान लेबर तो मैं जाता हूँ, लेकिन सम्मान के हकदार में एक नहीं हूँ। पद्मश्री सम्मान हो, जमुना लाल हो, या बहुत सारा अवार्ड है, शायद मोला नहीं पता कि कितना सारा सम्मान मिले, लेकिन सम्मान के हकदार में अकेला नहीं हूँ। वो 200,000 गरीब महिला के सम्मान है, वो 200,000 मजदूर महिला के सम्मान है, जो घर से बाहर निकल के स्वयं तो सुधरीन, लेकिन समाज ले भी सुधारे के काम कर रहे थे। और जो भी काम होते तो स्वयं ये फेडरेशन से ही हर एक महिला के तन मन धन के ही कारण ये काम होते, और आगे चल के हमन बहुत कुछ करना चाहता।